हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइन गुरु एंड इट्स मी प्रियंका। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन अब खत्म हो चुका है और सभी टीमें आईपीएल 2023 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 ऑक्शन के बाद दो टीमें ऐसी हैं जिनकी गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा मजबूत हुई है। ये टीमें आईपीएल 2022 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन अब इन टीमों के पास ऐसे गेंदबाज आए हैं जो चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हम किस टीम की और किन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में वैसे तो 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, लेकिन आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किया था और प्लेऑफ के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन आर्चर आईपीएल 2022 में खेले ही नहीं थे और चोटिल होने की वजह से बुमराह अच्छा खेल दिखाने में नाकाम रहे थे। लेकिन मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 ऑक्शन में दो खूंखार गेंदबाजों को अब खरीद लिया है और इन दो खूंखार गेंदबाजों में से एक है जॉय रिचर्डसन और दूसरे हैं जेसन बेरेंड्रॉफ। ये दोनों ही खिलाड़ी दोस्तों कातिलाना गेंदबाजी करने में माहिर हैं और T20 क्रिकेट के बड़े महारथी हैं। बता दें कि रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में 19 विकेट चटकाए हैं और अब दोस्तों रिचर्डसन जो है वो आईपीएल 2023 में धमाल मचाने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि बुमराह, आर्चर, जॉय रिचर्डसन और जेसन बेरेंड्रॉफ की चौकड़ी मिलकर किसी भी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। ऐसे में फैंस को अब उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी भी इस बार जीतने में कामयाब होगी। तो वही दोस्तों बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग्स की, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार आईपीएल का खिताब जिताया है, लेकिन पिछले सीजन में सीएसके की टीम के कई अहम खिलाड़ी जो है वो चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए थे या फिर खेल नहीं पा रहे थे और इसी वजह से टीम जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, अब सीएसके के लिए भी खुशी की बात ये है कि दीपक चाहर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, तो वहीं मुकेश चौधरी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आईपीएल ऑक्शन 2023 की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने बेन स्टॉक्स को अपनी टीम में 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि उनका बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए ही था। और बेन स्टॉक्स जो है वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है और वो भारत की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर कहर बरपा सकते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 करोड़ रुपए में काइल जेमिसन को खरीदा है। बता दें कि जेमिसन लंबे कद के खिलाड़ी है और वो यॉर्कर गेंद फेंकने में काफी माहिर है। और दोस्तों, इन दोनों ही प्लेयर्स के चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आने से टीम की गेंदबाजी जो है और भी ज्यादा मजबूत हुई है। तो अब दोस्तों आईपीएल 2023 आने ही वाला है, जिसमें देखना होगा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जो कि आईपीएल ट्रॉफी कई बार जीत चुकी हैं, लेकिन आईपीएल 2022 में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था, लेकिन अब जिन खिलाड़ियों को उन्होंने टीम में शामिल किया है तो उसे देखना होगा कि क्या एक बार फिर से दोनों ही टीम अपनी फॉर्म में वापस लौटेंगी और आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी या फिर कामयाब होंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2023 में कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी की हकदार होगी, कौन सी टीम होगी जो कि इस आईपीएल 2023 के सीजन में धमाल मचाने वाली है, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।